सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, बच्चों के शरीर से अनचाहे बाल और डेड स्किन कैसे निकाली जाती है और कैसे बच्चों को साफ किया जाता है। पहली वीडियो में आपको आटे की लोई बना के बच्चों के अनचाहे बाल और डेड स्किन निकालने की प्रोसेस बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगी हल्दी और बेसन का उबकन लगा के कैसे बच्चों के अनचाहे बाल और डेड स्किन निकाली जाती है और बच्चों को साफ बनाया जाता है। आइए देखते हैं बेसन और दही का कैसे उबकन बनाते हैं। दोस्तों, ये मैंने बॉल लिया है, इसमें मैं बेसन डालूंगी। ये मैंने बेसन डाल दिया। अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी। ये हल्दी, ये हल्दी डाल दिया। अब मैं इसमें दही मिक्स करूंगी। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, आटे की लोई बनाते समय क्योंकि गेहूं का आटा ठंडा रहता है, इसलिए इसमें हल्दी मिक्स करनी पड़ती है। ऐसे ही ये बेसन भी ठंडा रहता है बच्चों के लिए, इसलिए हम इसमें हल्दी मिलाते हैं। दोस्तों, आप इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। इस ये बेसन को मैं आज दही में बना रही हूँ। आप इसको इसी प्रकार का सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, क्योंकि सरसों गर्म रहता है। सरसों के तेल में भी बना सकते हैं और दही में भी बना सकते हैं। इसको एकदम अच्छे से मैश करना चाहिए ताकि इसमें हल्दी और बेसन की गुठलियां ना बनी रहे। ये एकदम पेस्ट बन गया है, रेडी हो गया है ये पेस्ट। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं दही और बेसन के उपकरण से कैसे बच्चे के शरीर के अनचाहे बाल और डेड स्किन निकाली जाती है, वो मैं आपको बताऊंगी बेसन बच्चों को लगा के। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी मालिश की वीडियो में आपको बताया था कि बच्चों की मालिश पैरों से शुरू की जाती है, तो उसी प्रकार बेसन का उबकन भी हम पैरों से ही लगाना शुरू करेंगे। बेसन को दोनों पैरों में लगाकर फिर बच्चों की अच्छे से मालिश करनी चाहिए। खास तौर पर जो जॉइंट वाले एरिया रहते हैं, वहाँ अच्छी तरह मालिश करनी चाहिए ताकि रूखी त्वचा और अनचाहे बाल बेसन के साथ निकल जाए और बच्चों का शरीर साफ हो जाए। दोस्तों, याद रखिए कि यह एक तरीके से बच्चे की मालिश ही है, सिर्फ फर्क यह है कि आप तेल की जगह बेसन का उबकन यूज कर रहे हैं। अब हम बच्चे के शरीर में बेसन का उबकन लगाएंगे और फिर मालिश करेंगे। दोस्तों, ये उबकन लगाते समय ध्यान दीजिए, घर के एसी और पंखे बंद होने चाहिए, नहीं तो बच्चों को ठंडी लग सकती है। अब हम लगाएंगे बेसन का उबकन बच्चे के सर पर। दोस्तों, सर पर बेसन का उबकन लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सर पर बाल रहते हैं और डेड स्किन बालों के नीचे पाई जाती है। बेसन का उबकन लगाते समय बच्चों को दर्द भी होता है और बच्चों के बाल भी निकलते हैं, पर हमें यह प्रोसेस करनी पड़ेगी ताकि बालों के नीचे की डेड स्किन अच्छे से निकल जाए और आगे चलकर यह सर पर ना पके। दोस्तों, जब बच्चे के माथे और चेहरे से अनचाहे बाल बेसन के उबकन से निकालते हैं, तो इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि बेसन बच्चों की आंखों में ना चले जाए।
और फिर बच्चे के पीठ पर उपटन लगाते समय उसको अपने पैरों पर लेटाकर फिर बेसन का उपटन लगाएं और अच्छे से मालिश करें। दोस्तों, जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक आपको यह प्रोसेस हफ्ते में एक बार जरूर करनी चाहिए, ताकि बच्चे के शरीर से अनचाहे बाल और डेड स्किन अच्छे से निकल जाए और बच्चा साफ हो जाए। 6-7 महीने के बाद बच्चे को महीने में एक बार यह प्रोसेस करना चाहिए। इससे बच्चे की स्किन साफ भी रहती है और ग्रो भी करती है। दोस्तों, कई बच्चे यह बेसन का उपटन लगाते लगाते भी सो जाते हैं, तो ऐसे में आप बच्चे को अच्छे से ढककर रखें और जब बच्चा उठे तो फिर उसको गुनगुने पानी से अच्छी तरह नहला दीजिए। अगर बच्चा सोता नहीं है तो 10-15 मिनट के बाद बच्चे को गुनगुने पानी से नहला दीजिए। दोस्तों, ये बच्चे को बेसन लगा चुकी हूँ मैं, अब इसको 10-15 मिनट तक सूखने देंगे। उसके बाद हम इसको गर्म पानी करके थोड़ा गुनगुना पानी में अच्छे से बच्चों को नहला देंगे, और नहलाने के बाद इनको थोड़ा मोटा कपड़ा पहनाना चाहिए, क्योंकि बेसन बहुत ठंडा होता है, बच्चों को ठंडी लग सकती है, इसलिए थोड़ा मोटा कपड़ा पहनाना चाहिए। दोस्तों, नहाते समय बच्चों का ये ध्यान देना जरूरी है कि ये सर पर बेसन लगाया है, ये धोते समय बच्चों के आँख में जाने का डर रहता है, इसलिए इसको ध्यान से नहलाना है। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अपनी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार और जय उत्तराखंड।